क्या वर्ल्ड मैप सही है? हम लोग ये वर्ल्ड मैप देखते हैं, कंट्रीज के साइज कंपैरिजन करते हैं, पर ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि ये वर्ल्ड मैप असल में गलत है। इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट के बावजूद अफ्रीका, चाइना, इंडिया, रशिया, ग्रीनलैंड, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के मैप डिस्टॉर्टेड हैं और ये सही साइज नहीं बताते। 1596 में बनाया मर्केटर मैप, जो कि सेलर्स को सही रास्ता बताने के लिए बना था, और आज तक हम सब इसे फॉलो करते हैं। मे बी क्योंकि ये मैप सबसे एक्यूरेट शेप बताता है, पर शेप की वजह से हमें सही साइज नहीं पता चल पाता। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ अमेरिका हमें इस मैप पे बड़ा दिखता है और अफ्रीका के साइज जितना लगता है, पर असल में नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका में फिट हो सकता है और तब भी इतनी जगह बच जाएगी कि इंडिया, अर्जेंटीना और टूनिसिया भी फिट हो जाए। इंडिया के मैप को भी बहुत छोटा दिखाया गया है, जबकि असल में इंडिया का साइज इससे ज्यादा बड़ा है, और ग्रीनलैंड, रशिया, कनाडा सबका साइज असल साइज से काफी बड़ा दिखाया गया है। पर ऐसा हुआ क्यों? मैं आप लोग को ये एग्जांपल से समझाता हूँ। आप लोग एक संतरा लो, उसको छीलो और फिर उसका जो छिलका है उसको फ्लैट करने की कोशिश करो, वो साइड से टूट जाएगा और पूरा एक पीस में फ्लैट नहीं हो पाएगा। यही केस हमारे अर्थ के साथ भी है, क्योंकि हमारा अर्थ गोल है तो उसका चौकोर मैप बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। पर क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है? रास्ता है, वो है जेम्स गैल और एर्नो पीटर्स का बनाया हुआ गैल पीटर्स मैप, जो हर कंट्री का बिल्कुल सही साइज बताता है। स्कूल्स में भी स्टूडेंट्स को यही मैप पढ़ाना चाहिए, ताकि उन्हें कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना मिले। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।